तो 8 टिप्स फॉर बिगनर्स, जिसमें कि मैं आपको 8 टिप्स बताएंगे जो नंबर वाइज है यहाँ पे, वाई दी राइट इन्वेस्टमेंट, कैसे राइट इन्वेस्टमेंट चूज करना है, अवॉइड इंडिविजुअल स्टॉक्स इफ़ यू आर अ बिगनर, अगर आप नए हैं तो इंडिविजुअल स्टॉक ना खरीदें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके रखें, और डाउन टर्न्स के लिए भी प्रिपेयर रहें। 5वां नंबर आता है सिमुलेटर एप्स, बहुत सारे अवेलेबल हैं, उनसे पहले सिमुलेशन करें इन्वेस्टिंग का, उसके बाद रियल मनी इन्वेस्ट करें। 6ठा है स्टे कमिटेड टू योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, अपने पोर्टफोलियो के साथ लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड स्टे रहें, और स्टार्ट नाउ एंड अवॉइड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो अब इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। पहला है वाई दी राइट स्टॉक, राइट इन्वेस्टमेंट कैसे चूज करें। तो हमें जिस कंपनी का स्टॉक चूज करना है, सबसे पहले उसका हमें पूरा एनालिसिस करना है, उसके गोल्स, मार्केट शेयर क्या क्या, उसकी स्ट्रेटजीज हैं, फोकस क्या है, उस पे बारे में जानना होगा, उसके फंडामेंटल एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में जानना होगा, उसके क्या रिटर्न दे रहे हैं वो जानना होगा, उसके बाद ही हम उसमें अपना पैसा लगाएंगे। अवॉइड इंडिविजुअल स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स ना खरीदें, जैसा कि हर मार्केट में एक बायर होता है, एक सेल होता है, तभी एक डील फिक्स होती है, और हर बायर जब प्रॉफिट पे ही अपने शेयर को सेल करता है, तो बायर सेलर के बीच में जो समझौता होता है, तब एक डील फिक्स होती है, हर बायर अपना एक प्रॉफिट चाहता है। तो आप जब एंट्री कर रहे हैं, हो सकता है तब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर हो और सेलर ने, बायर ने अपना सेल किया हो। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, इसे हम ETF कहते हैं, एंड म्यूचुअल फंड्स में, इसमें रिस्क थोड़ा कम है, और ये फंड मैनेजर द्वारा मैनेज होते हैं, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अगला है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से मतलब है आपको सारे अपने अंडे एक बास्केट में ही रखने हैं, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके रखना है। एक जगह अंडे रखने का मतलब है आप बहुत ज़्यादा रिस्क कैरी कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में कभी भी डाउन टर्न आ सकता है और आपका सारा पैसा डूब सकता है। तो अलग अलग जगह आप अगर इन्वेस्ट करके रखेंगे तो आप उसको रिस्क थोड़ा कम होगा और प्रॉफिट के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। बी प्रिपेयर फॉर डाउन टर्न, जैसा कि बोला वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत रहती है, मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी अप एंड डाउन चलता रहता है, तो अपने आप को डाउन टर्न के लिए भी रेडी रखें, स्टॉप लॉसेस लगा के रखें, सीखें कि कैसे मार्केट में डाउन टर्न से बचना है। हो सकता है आप ज़्यादा पैसा भी लॉस कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से मार्केट नहीं आता है, तो वोलेटिलिटी इंडेक्स को भी चेक करते रहें कब क्या है। इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी के लिए हमारे और वीडियो देखें। कोई भी स्टॉक प्रिंसिपल गारंटी नहीं देता है कि वो रिटर्न देगा ही देगा, वो कभी भी डाउन आ सकता है। अगला है ट्राई सिमुलेटर बिफोर इन्वेस्टिंग इन रियल मनी, सिमुलेटर ऐप्स हैं जिनके कुछ नाम मैंने, दो के नाम दिए हैं, आप उनमें सिमुलेशन कर सकते हैं अपने, उसके बाद आप रियल मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं डीमैट अकाउंट में। तो इनके नाम है ट्रेडिंग व्यू पे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, और दूसरा है मनी भाई जो कि मनी कंट्रोल द्वारा बनाया गया है, इस पे भी आप सिमुलेशन ट्रेडिंग कर सकते हैं, सिमुलेशन इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। पहले यहाँ पे सीखें, उसके बाद ही अपना रियल मनी मार्केट में लगाएं। अगला है अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के साथ कनेक्टेड रहें, फाइनेंशियल न्यूज़ को अवॉइड करें जो डेली पर डे आती रहती हैं, हो सकता है उन पे थोड़ा मार्केट फ्लक्चुएट होगा और आप अपना पैसा निकाल लें, तो वेट करें, अगर अच्छी कंपनी का आपने एनालिसिस किया है तो ऊपर जाएगी, तो थोड़ा सा वेट करें और अपने पोर्टफोलियो के साथ कनेक्ट रहें। पोर्टफोलियो को डेली डेली चेक ना करने के बजाय फ्रिक्वेंटली चेक करें कुछ कुछ दिनों के बाद, ताकि आप इमोशंस में ना बह जाएं और कोई गलती ना कर बैठें। अगला है स्टार्ट नाउ, समय क्या है स्टार्ट करने का, तो इसका कोई समय नहीं है कि कब से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आज पैसा बनने लगेगा या आज जाने लगेगा, मार्केट ऊपर नीचे चलता रहता है। तो आप आज से, अभी से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, हम आपको वीडियो में बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या चेक करना है कंपनी के बारे में, तो आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हाँ कोई रिटर्न की गारंटी नहीं होती है इसके। लास्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है,
शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना करें। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होती है, डे ट्रेडर्स होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे अंतराल पे शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। इसमें वोलेटिलिटी के आधार पे शेयर को खरीदा बेचा जाता है। इसके बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट लोग करते हैं। तो मार्केट जब ऊपर या नीचे ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है तो डे ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं। तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें आपको ट्रेडिंग में एक ही दिन में, सारी डे ट्रेडिंग में आपको एक ही दिन में अपना स्टॉक खरीदना और बेचना पड़ता है। इसमें नुकसान होने के बहुत ज़्यादा